Notification volume 0%. Hello friends, I welcome all in our channel Inspiring Eyes, a new way made. और आप जानेंगे आज Editing without mouse. तो चलिए शुरू करते हैं. हम एडिटिंग के बारे में जान रहे थे और इसका एक पहला वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था एडिटिंग मूविंग एंड सिलेक्शन कमांड्स पार्ट वन में. वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उस पर जाके जरूर उसको वॉच करें. और आज हम बात करेंगे एडिटिंग का, रियल एडिटिंग का, प्रैक्टिस का. तो हम लोग जब एडिटिंग की बात करते हैं तो आपको ही पता है कि आपको टाइप करना होगा, कुछ डिलीट करना होगा, कुछ वापस से लिखना होगा. तो ये सब की प्रोसेस में आपको दो तीन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा. तो इसमें जो कमांड्स मेन यूज होंगे आगे के, वो होंगे बैकस्पेस, बैकस्पेस, कंट्रोल प्लस बैकस्पेस, डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट. ये तो चार हैं. और कुछ कमांड्स मैं जो एडिटिंग में मूविंग एंड सिलेक्शन कमांड्स में आपका नहीं हुआ था वो भी डिस्कस करेंगे. जैसे कि कंट्रोल प्लस ए, उससे होता है टू सेलेक्ट ऑल. तो आते हैं बैकस्पेस पे. बैकस्पेस से होता है टू डिलीट प्रीवियस कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर पहले वाला वो डिलीट कर देगा. उसी तरह से कंट्रोल प्लस बैकस्पेस से क्या होगा, एक वर्ड पहले वाला डिलीट कर देगा. उसी तरह से आपका कंट्रोल प्लस डिलीट और डिलीट है, डिलीट आपका करेंट कैरेक्टर डिलीट करेगा और जबकि कंट्रोल प्लस डिलीट आपका करेंट वर्ड डिलीट करेगा. चलिए देखते हैं. हमने कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं इंग्लिश के. Blank, blank. The quick brown fox jumps over lazy dog. अब जैसे द है, क्विक है, मुझे क्विक को मिटाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सबसे लास्ट में जा सकता हूँ, सबसे आगे में जा सकता हूँ. मेरे कर्सर कहाँ है? तो मुझे नहीं पता कि मेरे कर्सर कहाँ है. ठीक है, मैं होम बटन प्रेस किया, टी ये बोला. जो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा होम बटन प्रेस से उसी लाइन पे सबसे बिगनिंग में जाएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. फिर अब क्या किया मैंने, क्विक पे जाना है. मैंने क्या कमांड था मेरा, टू मूव ऑन नेक्स्ट वर्ड या टू मूव वन वर्ड राइट. क्या है, कंट्रोल प्लस राइट है वो. अब क्विक को ही डिलीट करना है तो आपका कमांड है आपका, अब क्विक है यहाँ पे क्यू के आगे ब्लिंक कर रहा है कर्सर और इसलिए मेरा जो और जो बोला है अभी वही मेरा करेंट वर्ड है. तो मैं इसको डिलीट करूँगा, किससे डिलीट कर सकता हूँ, कंट्रोल डिलीट से. देखिए कंट्रोल डिलीट ये कुछ बोलेगा नहीं लेकिन डिलीट हो गया. उसी तरह से नेक्स्ट लाइन में जा देंगे, फिर से मैं क्विक डिलीट करूंगा. The quick brown fox jumps over lazy dog. अब मेरे को क्विक डिलीट करना है लेकिन इस पर कंट्रोल प्लस बैकस्पेस से डिलीट करना है. इसका मतलब क्या है, टू डिलीट प्रीवियस वर्ड. तो मैं brown, quick, the. अब मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो या राइट एरो करके मैं जाऊंगा ब्राउन पे. क्विक ब्राउन, ब्राउन गए या मैं प्रेस किया कंट्रोल प्लस बैकस्पेस, क्विक, तो भी क्विक मिट गया. इस बार लेकिन क्या हुआ, ये क्विक कंट्रोल प्लस बैकस्पेस से बोला, ये डिफरेंस है. जो VIA स्टूडेंट है, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं, वो आपको ये चीज़ गौर करने वाली है. कंट्रोल प्लस डिलीट से आपका करेंट वर्ड मिटेगा लेकिन बोलेगा नहीं. आप पहले आप बुलवा लो कंट्रोल लेफ्ट एरो राइट एरो करके, जो वर्ड बोल दिया है उस वही डिलीट होगा लेकिन वो उस समय नहीं बोलेगा. और कंट्रोल प्लस बैकस्पेस से वो डिलीट होने के बाद वो बोलेगा भी जो डिलीट हुआ है. चलिए नेक्स्ट वाले लाइन में चलते हैं. The quick brown fox jumps over lazy dog. इसमें मुझे क्विक का आई मिटाना है, मान लो किससे, डिलीट किससे. मैं क्या करूंगा, क्विक पे जाऊंगा. Brown, quick. क्विक पे गया मैं, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो एंड राइट एरो से मैं गया, उस पे वर्ड्स पे मूव करते हैं हम लोग. तो यहाँ पे मैंने आई बोला, जो बोला है उसी को मिटाना है तो डिलीट की. या फिर जो लोग प्रैक्टिस करेंगे सिस्टम में, अगर यू और आई के बीच में ब्लिंकिंग कर्सर दिख रहा होगा तो वहीं पे आपको डिलीट की प्रेस करोगे तो आई मिट जाएगा. ये मैंने डिलीट की प्रेस किया और ये सी बोला. ये सी क्यों बोला, जो VIA स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि आई मिट गया तो इसलिए करेंट करेक्टर क्या हो गया, सी. और अभी कर्सर होगा जो क्यू यू सी के और यू और सी के बीच में होगा. तो ये आपका करेंट
करेक्टर मिटा है यूजिंग डिलीट की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन। इसमें भी मैं आई ही मिटाऊंगा, लेकिन इस बार कैसे मिटाऊंगा, बैकस्पेस से। Brown, quit, quick, you, आई आया ना, बट यहाँ पे मैं अगर बैकस्पेस करूंगा तो क्या होगा, यू मिट जाएगा, प्रीवियस कैरेक्टर मिट जाएगा। डिलीट अगर करूंगा तो आई मिटेगा, ओके, और वापस से सी भी बोल देगा, लेकिन मुझे बैकस्पेस यूज करना है ना, तो एक बार और राइट एरो प्रेस करेंगे, ये सी बोलेगा, करंट कैरेक्टर उस समय सी हो जाएगा। see. ये आई और सी के बीच में ब्लिंक कर रहा है। जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, नोट कीजिए कि सी बोला है, यानी करंट कैरेक्टर सी है, और जो साइटेड लोग हैं वो आई और सी के बीच में अगर ब्लिंक कर रहा है तो बैकस्पेस प्रेस करें आप। यहाँ पे आई मिटेगा और आई बोलेगा भी, और जो देख पा रहे हैं उनके लिए आई गायब हो जाएगा। आई, ठीक है, ये अंतर था आपका डिलीट और बैकस्पेस और कंट्रोल बैकस्पेस और कंट्रोल डिलीट में। अब हम देखिए, हमने सीखा था होम, टी, होम टी बोला, क्यों, उसका करंट कैरेक्टर टी है इसलिए। एंड की प्रेस किया, लाइन फीड बोला, क्योंकि लास्ट में कुछ भी नहीं है, लाइन फीड है। इंटर की हमने प्रेस किया था लास्ट में, डॉग डॉट डॉग के बाद फुल स्टॉप लिखा है, इंटर की किया था इसलिए लास्ट में लाइन फीड बोला, मतलब लाइन के बाद कुछ नहीं है। उसके बाद हमने कंट्रोल प्लस होम किया था, तो कंट्रोल प्लस होम करते हैं तो ये एकदम स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में चला जाएगा, कंट्रोल प्लस एंड करेंगे तो लास्ट वाले डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में चला जाएगा। उसी तरह से आपका एक मैं करके दिखाता हूँ। अब एक छोटा सा कमांड था आपका कंट्रोल प्लस ए, जो कि मैं सिलेक्शन कमांड्स में नहीं बताया था, उससे होता है टू सिलेक्ट ऑल। हालांकि मैं कंट्रोल कमांड्स सारे बताऊंगा तो कंट्रोल प्लस ए फिर से डिस्कस करूंगा, लेकिन एक सिलेक्शन कमांड सिर्फ जो मेन सिलेक्शन कमांड है, जो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं और डिलीट करने के लिए यूज करते हैं, वो है कंट्रोल प्लस ए। पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया, Hello, friends. I welcome all in our channel. तो मैंने ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करा, अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है इसे। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए, सिलेक्शन मोड में क्या होता है, अगर हम सिलेक्शन के सबसे आगे में जाना चाहते हैं विदाउट डिलीट किए हुए तो लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, अगर हम सिलेक्शन को बिना डिलीट किए हुए सबसे लास्ट में जाना चाहते हैं तो राइट एरो प्रेस करेंगे या डाउन एरो प्रेस करेंगे। उसी तरह से आप सबसे आगे जाने के लिए लेफ्ट एरो या अप एरो प्रेस कर सकते हैं। लेकिन यदि हमको ये सब डिलीट करके कुछ लिखना है, जैसे पी लिखना है, तो मैं अगर यहाँ पे पी लिख दूंगा ना तो ये पूरा डिलीट होकर पी लिखा जाएगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ डिलीट करना होगा इन सारे सिलेक्शन को, तो बैकस्पेस या डिलीट कुछ भी आप प्रेस कर सकते हो। मैं यहाँ पे बैकस्पेस प्रेस कर रहा हूँ, ये सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। यही है आपका एडिटिंग। इसमें आप लोगों ने क्या क्या सीखा, अगर आप एक वी आई स्टूडेंट हो तो आपने सीखा करंट करेक्टर क्या होता है, जैसे क्यू यू आई सी के है, अगर सी बोल रहा है डैट मीन्स आई और सी के बीच में ब्लिंकिंग कर सकता है, और वहाँ पे डिलीट से आपका सी डिलीट होगा लेकिन बोलेगा नहीं। लेकिन वही आपका बैकस्पेस करते हो तो आई डिलीट होगा और आई बोलेगा। उसी तरह से द क्विक अगर बोला है, अभी क्विक बोला है, तो कंट्रोल प्लस डिलीट करोगे तो वही मिटेगा और कुछ नहीं बोलेगा, और यदि आपका कंट्रोल प्लस बैकस्पेस करोगे क्विक जहाँ पे है, मतलब क्यू के आगे कर्सर है, तो आपका दा मिट जाएगा। दैट मीन्स यू आर यूजिंग कंट्रोल प्लस बैकस्पेस ना, दैट मीन्स कि टू डिलीट प्रीवियस वर्ड। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।